हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मेरे पास आया है हीरो सुपर स्प्लेंडर BS6 FI वर्शन। तो इस बाइक का जो प्रॉब्लम लेके मेरे पास आया है, देखिए एक कीको से स्टार्ट देने से बाइक स्टार्ट नहीं ले रहा है और कीक स्लिप हो रहा है, इजीली नीचे जा रहा है। तो इस तरह प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, आज इस वीडियो के जरिए से टोटली जानकारी देने जा रहा हूँ। जो दोस्त कम सीख रहा है और जिसके पास बाइक है वो दोस्त पूरा वीडियो देखिए। आपका बाइक में भी इसी तरह ही प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको कौन सा चीज़ चेंज करना है और उसका प्राइस भी क्या है, पार्ट नंबर भी क्या है, तो फास्ट इसका जो प्रॉब्लम वो आपको देखा लेता हूँ। उसके बाद क्या चीज़ चेंज करने जा रहा हूँ वो भी दिखाता हूँ। दोस्त ये मैं कीको से स्टार्ट देने जा रहा हूँ और कीक देखिए देखिए एक कीक इजी स्लिप हो रहा है। देखिए अभी एक बार पीछा पकड़ रहा था, देखिए तो इस तरह देखिए ये कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो इस तरह हो रहा है। और इसके लिए मेरे को फर्स्ट मेरे को एक क्लच साइड को ओपन करना है, मेरे को क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट को चेक करना है। तो इसलिए मेरे को क्लच साइड ओपन करना है और क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट की वजह से तो हो रहा है इस तरह प्रॉब्लम, वो मेरे को लग रहा है। तो फर्स्ट देखिए इंजन ऑयल मैंने ड्रेन किया हूँ, अभी ये फ्रंट फुट रेस्ट को बाहर करना है, उसके बाद जो क्लच साइड ये खोल के बाहर कर लेना है। तो देखिए दोस्त ये खोलने का कम हो गया, अभी ये बाहर करना है। देखिए ये बाहर करने का कम हो गया, अभी मेरे को ये क्लच प्लेट को देखना है और क्लच प्लेट की वजह से इसी तरह प्रॉब्लम आता है। तो फर्स्ट ये क्लच प्लेट भी बाहर कर लेता हूँ। देखिए दोस्त ये टोटली बाहर हो गया। अभी एक चीज़ आपको दिखाने चाहता हूँ, इसका जो प्रॉब्लम मेरे को तो लग रहा है एक क्लच प्लेट की वजह से हो रहा है। तो देखिए ये जो क्लच प्लेट आपको एक चीज़ अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो प्रेशर प्लेट का हालत देखिए देखिए मेरे को ये चेंज करना है। और देखिए और भी दो चीज़ चेक कर लेना है, सेंटर क्लच और व्हील क्लच दोनों सही है। स्टेप क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट चेंज करने से इस बाइक का जो प्रॉब्लम वो ज़रूर सॉल्व होना चाहिए। और क्लच प्लेट का प्राइस क्या है और पार्ट नंबर भी क्या है वो भी दिखाना है। तो फर्स्ट मैं वो दिखाता हूँ इसका पार्ट नंबर और प्राइस। अभी दोस्तों मेरे को क्लच प्लेट सेट करना है और देखिए मैंने जो क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट लेके आया हूँ वो देख लीजिए। देखिए ये प्रेशर प्लेट है, उसका प्राइस 200 रुपीज़ आपको दिखाई दे रहा है। और ये बाहर करके भी दिखाना चाहता हूँ, और देखिए ये क्लच प्लेट है, इसमें दो है 290 रुपीज़। और देखिए इसमें तीन है 465 रुपीज़। तो अभी ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट बाहर करके देख लेता हूँ पहले। देखिए और मैंने सर्विस सेंटर गया था ये ख़रीदने के लिए, और उस टाइम मेरे को टोटल कंप्लीट ये मिल रहा था और उसका प्राइस ज़्यादा है 2600 रुपीज़, इसलिए मैंने वो टोटल नहीं लिया हूँ। देखिए देखिए इसमें दो है आपको दिखाई दे रहा है, और
प्रेशर प्लेट भी देख लीजिए, इसमें जो मॉडल का प्रेशर प्लेट था वो नहीं है, ये अलग है। अभी ये मेरे को सेट करना है। एक बॉक्स में दो क्लच प्लेट मिला है, वह से एक क्लच प्लेट फर्स्ट, उसके बाद प्रेशर प्लेट देना है। देखिए, और प्रेशर प्लेट इस तरह, देखिए आपको पता है प्रेशर प्लेट का दो साइड अलग अलग होता है। देखिए मैं घुमा के इस तरह से दे रहा हूँ, देखिए ये हो गया। उसके बाद एक बॉक्स में तीन क्लच प्लेट मिला था, वो क्लच प्लेट के साथ एक मैं दे रहा हूँ। उसके बाद फिर से एक प्रेशर प्लेट, मैंने जो प्रेशर प्लेट डाला हो फर्स्ट, सेम उसी तरह से सेकंड को भी डालना है। उसके बाद और एक क्लच प्लेट, तीनों में से एक, देखिए। उसके बाद और एक प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट सभी एक ही बराबर देना है। उसके बाद तीनों में से और एक क्लच प्लेट, ये तीनों ख़त्म हो गया। और एक पहले डाला हूँ एक बॉक्स का, उसके बाद फिर से प्रेशर प्लेट, देखिए। उसके बाद जो एक बॉक्स में दो क्लच प्लेट था, उनमें से और एक क्लच प्लेट बचा हुआ, जो क्लच प्लेट था वो इस तरह डाला हूँ। उसके बाद दे रहा हूँ, ये बराबर आ गया। और दोस्तों, ये बेसिक सुपर स्प्लेंडर का जो किक शाफ्ट की स्प्रिंग इंस्टॉल कैसे करना है, उस वो जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, वह से भी देख सकते हो। अभी दोस्तों ये मेरे को टोटली सेट कर लेना है, देखिए। और ये सेट करने से पहले वॉशर को देख लेना बहुत ही जरूरी है। देखिए इसमें वॉशर है, अभी देखिए ये इस तरह से, देखिए घुमा के सेट कर लेना है। ये सेट हो रहा है, देखिए सेट हो गया। और देखिए आपको इसमें एक औसत दिखाई दे रहा है, और छोटा वाला और एक औसत लगा रहता है, देखिए ये डाला हूँ। उसके बाद ये काटा वाला जो नट, ये टाइट हो रहा है, ये टाइट हो रहा है। अभी ये पकड़ के अच्छा से टाइट कर लीजिए। देखिए दोस्त, ये बराबर सेट हो गया। अभी मेरे को ये ढक्कन को सेट कर लेना है, और ढक्कन सेट करने के बाद इसका जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ वो भी देखना है। तो फर्स्ट ये सेट कर लेते हो, नहीं तो वीडियो लंबा हो रहा है। देखिए दोस्त, ये सेट करने का काम हो गया। अभी पहले जो किक स्लिप का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ वो भी देख लीजिए। अरे देखिए सेट हो गया, फिर से और एक बार देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए स्टार्ट ले रहा है और किक स्लिप भी नहीं हो रहा है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के जरिए से जितना जानकारी बताने की कोशिश की वो जरूरी अच्छा लगा होगा। और जितना है बस, ओके बाय दोस्तों।